इमामगंज में सहारा इंडिया बैंक का फील्ड कर्मचारी 4 करोड़ लेकर फरार, ग्राहकों में हड़कंप। ये लेटेस्ट न्यूज 2 सितंबर 2020 की है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारे से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको ताज़ा से ताज़ा लेकर आते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप पीड़ित निवेशक ये कहते हैं कि ये अपडेट फेक है और इसी तरीके के हमारे ऊपर कमेंट आते हैं। लेकिन दोस्तों स्पष्ट तौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव हिंदुस्तान कॉम से ये बड़ी खबर जो हमारे पास आई है, ये हिंदुस्तान टीम के द्वारा दी गई है। बड़ी खबर क्या है ये हम इसका हेडिंग आपको बता चुके हैं कि इमामगंज में सहारा इंडिया बैंक का फील्ड कर्मचारी 4 करोड़ रुपए लेकर फरार। पूरी खबर, सहारा इंडिया इमामगंज बैंक शाखा का एक फील्ड कर्मचारी गरीब ग्राहकों से 4 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। इमामगंज बाजार निवासी संदीप अग्रवाल उर्फ बंटी, पिता महेंद्र अग्रवाल, करीब 10 सालों से सहारा बैंक के इमामगंज शाखा में रहकर फील्ड कर्मचारी का काम कर रहा था। ग्राहकों को विश्वास में लेकर इधर 4-5 सालों से अधिकांश ग्राहकों के मासिक व डेली खाता धारकों से पैसा समय ले लिया, लेकिन उसे बैंक में जमा नहीं किया। 30 अगस्त को बिना सूचना दिए घर से गायब हो गया। संदीप के गायब होने की सूचना मिलने के बाद इमामगंज में सहारा इंडिया बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मच गया। ग्राहकों को खबर मिलते ही बैंक से लेकर उनके घर तक दौड़ लगा दी। उसे फरार हुए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी उसका सुराग नहीं मिल सका है। इस संबंध में इमामगंज बाजार के ग्राहकों से मिली जानकारी के अनुसार इमामगंज निवासी राकेश कुमार ने से 16 लाख, रानीगंज निवासी राजीव रंजन सिंह से 19 लाख, इमामगंज कपड़ा व्यापारी हैदर अंसारी से 19 लाख, विक्रांत कुमार से 1 लाख, सुरेंद्र सिंह से 1 लाख, संदीप कुमार सोनी से 1,05,000 रुपये लेकर फरार। करीब 200 ग्राहकों से लाखों रुपया बैंक में जमा कर फरार हो गया। सहारा बैंक में जिनका खाता पैसा जमा है उनका पैसा गायब नहीं होगा, सबको पैसा मिलेगा। इस संबंध में बैंक प्रबंधक पी कांत पाठक व कैशियर संजीत कुमार ने बताया कि जिन ग्राहकों का पैसा खाते में जमा है उन्हें पैसा दिया जाएगा, लेकिन जिसका यहाँ खाता नहीं खुला है और पैसा फील्ड कर्मचारी को देते गए हैं उनका पैसा बैंक कहाँ से देगी। इधर इस मामले में सहारा बैंक के ऊपर ग्राहकों में काफ़ी आक्रोश है। इस संबंध में फील्ड कर्मचारी संदीप अग्रवाल के पिता महेंद्र अग्रवाल व भाई सोमनाथ अग्रवाल कहते हैं कि हम लोगों से बिना कुछ कहे पूछे 30 अगस्त को करीब 2:30 बजे घर छोड़कर फरार हो गया। हम लोग जब सुबह को जागे तो घर में नहीं देखा, सीसीटीवी कैमरा खंगाला, उसमें घर से वह निकला दिख रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में घर वालों की गुमशुदगी का एक आवेदन इमामगंज थाने में दिया गया है। तो दोस्तों ये इस वक्त जो फील्ड ऑफिसर यो कलेक्शन इकट्ठा कर सहारा के निवेशकों की फरार हो गया है, ये बड़ी खबर इस टाइम जो बाजार के उन निवेशकों के सामने पहुंची जिनका पैसे की कलेक्शन इस ने की थी, तो वहाँ पर एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ था। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और इसी खबर से जुड़ी अच्छी खबर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।